हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके बाय विनोद सर में। जैसा कि आपको पता है कि हम एलडीसी की क्लास लेने वाले हैं। आज से पहले हमने 3 लेक्चर्स इंग्लिश के बेसिक फंडामेंटल्स पर बनाए हैं, जिनके बिना शायद इंग्लिश को पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, इसलिए हमने पहले बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ाए हैं आपको, जिससे कि आपका बेसिक बहुत अच्छा हो जाए और आप एडवांस में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करो। ठीक है, तो आज का हमारा एक पर्टिकुलर टॉपिक रहने वाला है वर्ब। और हर एग्ज़ाम को देखा जाए, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें इंग्लिश आ रही है, उसमें वर्ब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, वर्ब का यदि देखा जाए डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट कई क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं जो वर्ब से पूछे जाते हैं, और विदाउट वर्ब इंग्लिश कुछ भी नहीं है रियली। मतलब कि वर्ब का एक बहुत ही अच्छा रोल है इंग्लिश में। ठीक है, तो वर्ब बहुत अच्छा टॉपिक है जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं, बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। शायद ही आज तक आपको किसी ने पढ़ाया होगा। ठीक है, अब हाँ, आपने यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हो, आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो एलडीसी के बैच में जितनी भी हमने इंग्लिश की वीडियो डाली हैं और इससे पहले, उन तीनों वीडियो को देखकर आइए। हम प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब। देखिए, वर्ब जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था पहले बेसिक्स में कि वर्ब होती क्या है, तो बताया था मैंने कि आपको वर्ब जो है वर्ड का प्रकार है। किसका? वर्ड का, टाइप ऑफ वर्ड, एक शब्द का प्रकार है वर्ब। टाइप ऑफ वर्ड, ये वर्ड है ना, इसका टाइप है वर्ब, एक शब्द का प्रकार ही तो है वर्ब। ठीक है, तो वर्ब की डेफिनेशन देखी जाए तो डेफिनेशन क्या होगी, तो देखिए बोलकर बता देता हूँ मैं आपको। आपको लिख लेना है ये सारा चीज़, और यदि ना लिख पाओ तो ये जो हमारी पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। ठीक है, तो देखिए वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है। अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन, अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन, एक ऐसा शब्द जो एक्शन को प्रदर्शित करता है। किसे? एक्शन को। ठीक है, ये हुई वर्ब की डेफिनेशन। अब देखिए वर्ब दो टाइप का बटा हुआ है। वर्ब के कितने प्रकार होते हैं? दो टाइप। अभी तक आपको सबने पढ़ाया होगा कि वर्ब के दो टाइप होते हैं, कौन से? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, यही तो पढ़ाया होगा। आज आपको बहुत ही अच्छा पढ़ने को मिलेगा, देखते हैं क्या क्या मिलता है आपको आज खास। तो देखिए वर्ब के दो प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? पहला होता है मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब। दूसरा होता है एग्जुलेरी वर्ब। एग्जुलेरी वर्ब, ठीक है, इस एग्जुलेरी वर्ब को कहते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब, HV, मतलब कि HV को ही एग्जुलेरी वर्ब बोला जाता है, या एग्जुलेरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। ठीक है, मेन वर्ब को अभी हम थोड़ा सा साइड करते हैं, पहले हम एग्जुलेरी वर्ब पढ़ते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब देखा होगा आपने, टेंसेज में पढ़ी है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब रियली में होती क्या है, ये आपको बताया था बेसिक्स में। बेसिक्स में जाकर देखें कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में अंतर क्या होता है। बेसिक्स में बताया था तीन डिफरेंस थे, उनको आप बेसिक्स में देखें जाकर के। शायद लेक्चर नंबर 3 होगा, 3rd लेक्चर में है। ठीक है, तो एक्जुलरी वर्ब के भी दो टाइप होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के भी दो टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप हैं? दो, वो दो टाइप हैं, प्राइमरी वर्ब और मॉडल्स। देखिए एक्जुलरी वर्ब का यदि संख्या देखी जाए, इनकी संख्या देखी जाए, तो एक्जुलरी वर्ब की संख्या 24 होती है। ये संख्या में कितनी होती हैं? 24, 24। ठीक है, अब ये दो टाइप्स में बट गई, प्राइमरी वर्ब्स में और मॉडल्स में। तो प्राइमरी वर्ब्स की संख्या कितनी होती है? 11। मॉडल्स की कितनी होती है? 13। ये इनकी संख्या है, ना कि इनके प्रकार। प्राइमरी वर्ब की संख्या कितनी? 11, और मॉडल्स की संख्या 13। देखिए प्राइमरी वर्ब के भी तीन प्रकार हैं। कितने? तीन प्रकार। देखिए पहला प्रकार है हैव एक्जुलरी वर्ब, हैव एक्जुलरी वर्ब। ठीक है, तो हैव एक्जुलरी वर्ब में कौन कौन सी वर्ब आने वाली हैं? देखिए हैज, हैव और हैड। ठीक है, फर्स्ट टाइप हो गया। किसका? प्राइमरी वर्ब का। प्राइमरी वर्ब का फर्स्ट टाइप है हैव एक्जुलरी वर्ब, जिसमें हैज है, हैव है और हैड है। सेकंड टाइप रहने वाला बी वर्ब।
बी प्राइमरी वर्ब, बी प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब। तो बी में कौन कौन सी आने वाली हैं, इज, एम, आर, वाज और वर। ठीक है, थर्ड टाइप रहने वाला है इसका डू वर्ब। क्या, डू प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब। तो डू में कौन कौन सी आने वाली हैं, डू, डज और डिड। अब इनको देख लीजिए, ये संख्या में कितनी है, 11। ठीक है, ये तो हुई हमारी प्राइमरी वर्ब। कितने प्रकार की, तीन प्रकार की, हैव प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब, सेकंड बी प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब, थर्ड डू प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब। तो हैव में तीन हैं, कौन कौन सी, हैज, हैव, हैड। बी में पांच हैं, इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, डू में तीन है, डू, डज, डिड। ओके, प्राइमरी वर्ब अपनी कंप्लीट। अब चलते हैं मॉडल्स पर। देखिए मॉडल्स संख्या में कितने होते हैं, 13। आपने देखा ही होगा कभी, तो 13 कौन कौन से होते हैं, देखिए कौन कौन से हैं, सेल, शुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, ठीक है, नीड टू, यूज्ड टू, और रहने वाला है ऑट टू, ऑट टू, यूज टू, नीड टू, हाँ एक और है डेयर। क्या है, डेयर, एंड एक और है सुड। क्या है, सुड। तो मेनली अपने ये 13 मॉडल्स हैं। ठीक है, प्राइमरी वर्ब 11 होती हैं और मॉडल्स 13 होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। ये 2400 की 2400 क्या कहलाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। क्या कहलाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए प्राइमरी वर्ब तो एक तरीके से टाइम को व्यक्त करती हैं, किसे, टाइम को, टाइम को दर्शाती हैं, और टेंसेज में यूज की जाती हैं। मॉडल्स क्या करते हैं, मॉडल्स इंसान की मन की भावना को दर्शाते हैं। किसको, मन की भावना, उसकी मनोदशा को दर्शाते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब ही हैं वैसे तो। प्राइमरी वर्ब टाइम को बताती हैं कि कौन से टाइम में क्या हो रहा है ना। मॉडल्स इंसान की मनोदशा को बताते हैं कि ये इंसान इस बात को किस दशा में बोल रहा है, मतलब गुस्से में बोल रहा है या फिर किसी से प्रेयर कर रहा है या फिर किसी को कुछ वार्न कर रहा है ना, तो उसकी अंदर की मनोदशा दिखती है मॉडल्स में। ठीक है, तो ये रहा एक्जुलरी वर्ब, अपनी खत्म होती है यहाँ से। अब हम स्टार्ट करते हैं मेन वर्ब। क्या, मेन वर्ब। अच्छा देखिए मेन वर्ब संख्या में कितनी होती है, मेन वर्ब, मेन वर्ब की यदि संख्या की बात की जाए तो मेन वर्ब की संख्या इन्फिनिटी है। कितनी, इन्फिनिटी, इनकी कोई संख्या नहीं है, निश्चित नहीं है इनकी संख्या। ठीक है, संख्या। अब यदि टाइप की बात की जाए मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब के टाइप होते हैं दो। कितने टाइप होते हैं, दो। फर्स्ट इज फाइनाइट वर्ब एंड सेकंड वन इज नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या, फर्स्ट इज फाइनाइट एंड सेकंड वन इज नॉन फाइनाइट। नाउ लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज फाइनाइट वर्ब एंड व्हाट इज नॉन फाइनाइट वर्ब, लेट्स सी। देखिए अब हम आते हैं फाइनाइट वर्ब पर। देखिए पहले थोड़ा सा इनका देख लेते हैं कि फाइनाइट वर्ब के प्रकार कितने होते हैं। देखिए फाइनाइट, मैं आपको बता भी दूं फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब क्या होती है, ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएं। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएं, चेंजेबल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब होंगी। ठीक है, चेंजेबल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, चेंजेबल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। कौन सी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब, जो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाए वो कहलाएंगे फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब फाइनाइट वर्ब एक्चुअली कितने टाइप की होती हैं उसे देख लेते हैं। देखिए फाइनाइट वर्ब देखा जाए तो मेनली दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब देखिए आपने यही पढ़ा होगा डायरेक्ट कि क्रिया तो दो तरीके की होती है, क्या, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, बट क्रिया दो तरीका की होती है, बट ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव नहीं, मेन वर्ब और एक्जुलरी वर्ब। मेन वर्ब में आएंगे, मेन वर्ब दो टाइप की होती है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट।
तब फाइनाइट के प्रकार हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ना कि तुरंत के तुरंत बोल दिया जाता है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब के मेनली तो दो टाइप हैं, कौन कौन से, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, बल्कि दो टाइप इनके और माने गए हैं, स्टैटिक वर्ब और डायनेमिक वर्ब। ये एक तरीके से देखा जाए तो ये आईएनजी के आधार पर माने गए हैं, किसके, ऐसी वर्ब्स जिनमें किस किस वर्ब में आईएनजी यूज की जाए, किस किस वर्ब में आईएनजी यूज ना की जाए, उसके आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं, बट ये फाइनाइट के ही प्रकार माने गए हैं। ठीक है, तो मेनली दो टाइप हैं और यदि ओवरऑल देखा जाए तो चार टाइप हैं, किसके, फाइनाइट वर्ब के। ठीक है, अब देखिए फाइनाइट वर्ब के चार टाइप कौन कौन से हैं, ट्रांजिटिव फर्स्ट, सेकेंड इंट्रांजिटिव, थर्ड स्टैटिव वर्ब एंड फोर्थ वन इज डायनेमिक वर्ब। ठीक है, अब देखिए हम पहले चल देते हैं किस पर, ट्रांजिटिव वर्ब पर, कौन सी पर, ट्रांजिटिव वर्ब पर। देखिए यहाँ से बताया गया है कि क्या होती है फाइनाइट वर्ब। देखिए फाइनाइट वर्ब क्या होती है, चेंजेबल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए वो होती है फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब फाइनाइट वर्ब चार टाइप्स में बटी हुई थी, पहला टाइप कौन सा था, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव तीन टाइप की होती हैं, कितने टाइप की, तीन टाइप की बता दूं आपको, एक तो होती है मोनो ट्रांजिटिव, एक होती है डाई ट्रांजिटिव और तीसरी होती है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। क्या होती है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। ओके, अब देखिए ट्रांजिटिव नॉर्मली होती क्या है, सकर्मक क्रिया, ऐसी क्रियाएं जो अपने साथ क्या लेती हैं, ऑब्जेक्ट लेती हैं, कर्म लेती हैं, वही तो होती है ट्रांजिटिव। ठीक है, अब वो ट्रांजिटिव भी तीन तरीका की हैं, पहला कौन सा है, मोनो, दूसरा कौन सा है, डाई। देखिए आगे देखते हैं, देखिए मोनो क्या होती है और डाय क्या होती है। देखिए मोनो ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जो वर्ब अपने साथ एक कर्म लेती हैं, एक ऑब्जेक्ट लेती हैं, वो तो होती हैं मोनो। ठीक है, एक कर्म लेती हैं। अब एक कर्म, कर्म भी मैंने आपको बताया था कर्म दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, चाहे वो डायरेक्ट लें चाहे इनडायरेक्ट लें, कोई भी रोक टोक नहीं है। ठीक है, तो मोनो हुई। अब अगली होती है डाय, तो डाय ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, ऐसी वर्ब जो अपने साथ दो कर्म लेती हैं, कितने, दो कर्म। अब ये पक्का है कि यदि एक कर्म लिविंग है तो दूसरा नॉन लिविंग होना चाहिए, मतलब एक डायरेक्ट है तो दूसरा इनडायरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि एक लिविंग होना चाहिए और एक नॉन लिविंग होना चाहिए डाय में। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, अब देखिए यदि डाय आ जाए, क्या आ जाए, डाय मतलब डाई ट्रांजिटिव आ जाए, वह क्या जाए, तो उसके लिए एक नोट है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या है। देखिए इफ वी राइट नॉन ऑब्जेक्ट फर्स्टली देन लिविंग ऑब्जेक्ट टेक्स टू प्रेपोजिशन टू फो बिफोर इटसेल्फ। अब देखिए ये कह रहा है कि यदि कोई वाक्य ऐसा है जिसमें दो कर्म दे रखे हैं, एक तो डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है, ठीक है, तो यदि हम जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, कौन सा, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, यदि उस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को पहले लिखें, किसमें, सेंटेंस में, यदि सेंटेंस में नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को पहले लिखें तो लिविंग ऑब्जेक्ट लिखने से पहले हमें टू या फोर का प्रयोग करना पड़ेगा। यही बात थी। ठीक है, क्या यदि किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आने हैं, कितने, दो ऑब्जेक्ट, जिनमें से एक लिविंग होने वाला है एक नॉन लिविंग होने वाला है, यदि हम सेंटेंस में पहले नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट लिखें तो लिविंग ऑब्जेक्ट से पहले हमको टू या फोर लगाना होगा। ठीक है, अब देखिए कहाँ तो टू लगाना है, कहाँ फोर लगाना है। अब देखिए ज़्यादातर कुछ वर्ब्स हैं चुनी हुई जिनके सामने हमें फोर का यूज करना है, जिनके साथ, सॉरी, जिनके साथ हमें फोर का यूज करना है लिविंग ऑब्जेक्ट के सामने पहले। ठीक है, वो कौन कौन सी वर्ब हैं, कुक है, बाय है, परचेज है, ब्रिंग है, फैच है, प्रिपेयर है, इटीसी। यदि ये वर्ब आ रही हैं किसी सेंटेंस में और दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं और पहले हमने नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रख दिया है तो लिविंग ऑब्जेक्ट से पहले हम फोर का यूज करेंगे। ठीक है, अदरवाइज कोई भी वर्ब आए और पहले हमने नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को रख दिया है तो लिविंग ऑब्जेक्ट से पहले हम टू का प्रयोग करेंगे,
समझ आया कि टू का प्रयोग कहाँ करना है और फोर का प्रयोग कहाँ करना है। आप चाहें तो अपनी भाषा में नोट्स बनाकर लिख सकते हैं, अदरवाइज ये सारी PDF आपको टेलीग्राम चैनल में डाल दी जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। ओके, तो चलते हैं आगे। अब देखिए, हमने देख लिया मोनोट्रांसिटिव, डायट्रांसिटिव, अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव में क्या होता है कि ऐसी वर्ब जिसमें एक तो ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कर्म का पूरक। ठीक है, एक होता है ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, समझे, वो होती है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तीनों प्रकार की ट्रांजिटिव वर्ब क्लियर हो गई। अब देखिए, अब इसमें एक चीज आई है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, क्या चीज है, क्या नहीं है, पहले हम वर्ब वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लें, सारे टाइप्स को क्लियर कर लें, उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के ऊपर बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के ऊपर देखिए नीचे, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में सारा कुछ, पर पहले हम टाइप्स क्लियर करते हैं। ठीक है, तो हमने ट्रांजिटिव के तीनों टाइप पढ़ लिए, कौन कौन से पढ़े, मोनोट्रांजिटिव, डायट्रांजिटिव, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। अब अगला क्या रहने वाला है हमारा, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब इसमें दी नहीं है। तो देखिए, इंट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है, एक्चुअली ऐसी वर्ब है ना, ऐसी वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं, क्या नहीं लेती हैं, ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं, ऐसी वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। कौन सी वर्ब होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, नॉर्मल सा था, समझ गए आप। अब देखिए, तीसरा प्रकार आया था स्टेटिव वर्ब, क्या आया था, स्टेटिव वर्ब। मैंने आपको बताया था कि फाइनाइट वर्ब के एक्चुअली में तो दो ही टाइप होते हैं, बट दो अलग से भी जोड़े गए हैं, वो क्या हैं, वो इस प्रकार से बनाए गए हैं कि किन वर्ब में हमको ing का यूज़ करना चाहिए और किन वर्ब में ing का यूज़ नहीं करना चाहिए, इसी के ऊपर है। तो स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनमें हम ing का यूज़ नहीं करते हैं वर्ब के रूप में, किसके रूप में, वर्ब के रूप में। तो स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनमें हम ing का यूज़ नहीं करते हैं। देखिए, वी डू नॉट यूज ing आफ्टर देम इन द फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब, मैन वर्ब के फॉर्म में ओनली, है ना। अब ing का यूज़ कर दें बट वो किसी और चीज़ का कार्य कर रही हो, जैसे कि नाउन का कार्य कर रही हो, वर्ब में ing का यूज़ करके वो नाउन का कार्य कर रही हो, जैसे कि जीरंड बनता है, जीरंड वर्ब हम आगे पढ़ाने वाले हैं आपको, तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बल्कि यहाँ पर बताया गया कि मेन वर्ब के रूप में हम उनमें ing का प्रयोग नहीं कर सकते, वो होती हैं स्टेटिव वर्ब। कौन कौन सी वर्ब हैं वो, कुछ एग्जांपल्स हैं देख लीजिए, फील है, हियर है, सी है, स्मेल है, टेस्ट है, हैव है, नो है, वांट, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, विश, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, फॉरगेट, होप, रिजेंबल, बिलीव, प्रेफर, नीड, इटसी। देखिए, इन सब को लिख लेना, अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि अपना वॉइस वाला जो चैप्टर होने वाला है ना, कौन सा, वॉइस वाला चैप्टर, वॉइस वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे से आपको काम आने वाला है ये। ठीक है, एक रूल है वॉइस वाले चैप्टर में, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से काम आने वाले हैं। ठीक है, तो स्टेटिव वर्ब कौन सी वर्ब होती हैं जिनमें हम मेन वर्ब के रूप में ing का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये वाली वर्ब है। अब देखिए, कुछ एग्जांपल्स नीचे दे रखे हैं, क्या चीज़ है ये, देखिए हियर यहाँ आया है, हियर में ing का यूज़ किया गया है। ठीक है, बट ये किस टाइप में किया गया है, सुनवाई। यदि हियर का मतलब सुनने से लें, किससे, सुनना, मतलब कि आई, मतलब वर्ब के रूप में लें हियर को, तो उसमें ing का यूज नहीं होगा। देखिए, हियरिंग, सुनना, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। बट यदि हियरिंग ये नाउन है, ये क्या है, नाउन, तो हियरिंग का मतलब सुनवाई होता है, तो नाउन के रूप में यदि ing यूज हो रहा है तो वो सही है, यदि मेन वर्ब के रूप में ing यूज हो रहा है तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब्स हैं। कौन सी वर्ब हैं, स्टेटिव वर्ब्स। अगला देखिए, देखिए अगला है सीइंग, सी में ing लगा दें, तो सी एक स्टेटिव वर्ब है, यदि सी में ing लगा दें और उसे मेन वर्ब की तरीके से देखा जाए, किसके तरीके से, मेन वर्ब के तरीके से, उसका हिंदी अर्थ देखना निकाला जाए तो वो बिल्कुल गलत होगा। यदि सीइंग का अर्थ मिलना निकाला जाए,
इसका मतलब ये नाउन बना, इसका अर्थ मिलना निकाला जाए तो बिल्कुल राइट है। मतलब वही है कि मेन वर्ब के रूप में आईएनजी नहीं लगा सकते स्टेटिव वर्ब में, बट यदि नाउन के रूप में आईएनजी लगाना है तो बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि फीलिंग बन जाता है, क्या फील में आईएनजी लगा दें, जैसे कि क्या बनना है फीलिंग, है ना। फील में यदि आईएनजी लगा दें तो फीलिंग बनेगा। अब फीलिंग दो टाइप से होती है भाई, एक तो फीलिंग ले लें हम भावना, है ना, अपनी अंदर की भावना, है ना, महसूस करना, टचिंग अपनी अंदर की, है ना, तो वो तो सही है नाउन के रूप में, किसके रूप में, नाउन के रूप में। अब यदि फीलिंग का एग्जैक्ट अर्थ लिया जाए महसूस करना वर्ब के रूप में, तो फील में आईएनजी बिल्कुल नहीं लगा सकते, क्योंकि तो फील क्या है, एक स्टेटिव वर्ब है। समझ गए आप। देखिए नीचे लिखा भी हुआ है स्टेटिव वर्ब जिनमें आईएनजी नहीं आता के वाक्य को सही करने के लिए। हाँ, देखिए यदि कोई वाक्य जैसे कि रहा रही रहे से रहा रही रहे वगैरह में दे रखा है, तो हमें पता है कि वहां पर क्या आनी है, वर्ब में आईएनजी आनी है। बट अब हम क्या करें, स्टेटिव वर्ब दे दी कोई महसूस करना जैसे फील, और फील में आईएनजी कैसे लगाएं, कंटिन्यूअस में कैसे बनाएं टेंस को, तो वो टेंस कंटिन्यूअस में बनता ही नहीं है। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस आ रहा है कोई, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और हमको फील में आईएनजी लगाना पड़ रहा है, तो हम उस टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना बना के उससे ऊपर वाले टेंस मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देंगे। किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यही कह रहा है ये नोट, लिख लेना, बहुत अच्छा नोट है, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो स्टेटिव वर्ब हमने पढ़ ली, अब पढ़ते हैं डायनेमिक वर्ब। अब देखिए डायनेमिक वर्ब क्या होती है, सिंपली सी बात है, वे वर्ब जिनमें हम आईएनजी का यूज़ कर सकते हैं वो डायनेमिक वर्ब कहलाती हैं। कौन सी, डायनेमिक वर्ब। ठीक है, अब देखिए हमारा फाइनाइट वर्ब हुआ कंप्लीट। फाइनाइट वर्ब में चार टाइप थे, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब के तीन थे, मोनो, डाई, कॉम्प्लेक्स। उसके बाद इंट्रांजिटिव था, इंट्रांजिटिव हमने कर लिया। उसके बाद क्या था, स्टेटिव वर्ब था, स्टेटिव वर्ब हमने कर लिया। उसके बाद था डायनेमिक वर्ब, डायनेमिक वर्ब के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक रह गया था ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को हम वर्ब कंप्लीट करने के बाद तब पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्या होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, बहुत ही अच्छा टॉपिक है वो भी। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के जो हमारे रूल्स बनने वाले हैं उनमें से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब देखिए सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इन्हें हम बाद में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में, है ना, इन्हें हम बाद में पढ़ने वाले हैं इनको सारे को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जो मैं लेकर आया हूँ, वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा चीज़ है ना, आपका बेसिक को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाने वाला है, जिससे कि आप बहुत कुछ कर सको, है ना। अब देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब एक्चुअली होती क्या है भाई, हमने पढ़ लिया फाइनाइट वर्ब, अब पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, ऐसी वर्ब, ऐसी क्रियाएं जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज ना हो। दूसरी बात, जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है ना, वो रियली में वर्ब होती ही नहीं है। क्यों, क्योंकि वो हमेशा किसी नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब इन तीनों की तरह कार्य करती है, ना कि किसी वर्ब की तरह। समझ गए आप कि नॉन फाइनाइट वर्ब एक्चुअली में वर्ब नहीं होती है, कहने को वर्ब हैं बट एक्चुअली में वो कार्य संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण का करती हैं। कैसे, आगे देखने वाले हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब का यदि देखा जाए तो नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होती हैं, बल्कि फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रही थी। अब नॉन फाइनाइट के यदि टाइप देखा जाए, नॉन फाइनाइट के टाइप कितने होते हैं, तीन। कितने टाइप होते हैं, तीन। कौन कौन से टाइप हैं, पहला टाइप है इन्फिनिटिव वर्ब, कौन सा, इन्फिनिटिव वर्ब। सेकेंड है जीरंड, क्या है, जीरंड। एंड थर्ड वन इज पार्टिसिपल, क्या है, पार्टिसिपल। अब देखिए इन्फिनिटिव टू टाइप्स का होता है, दो टाइप का, टू इन्फिन सॉरी टू टाइप्स का होता है। इसको पहले को कहते हैं फुल इन्फिनिटिव, क्या कहते हैं, फुल इन्फिनिटिव, दूसरे को कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। ठीक है, तो इन्फिनिटिव दो दो तरीके का होता है, क्या होता है, फुल इन्फिनिटिव और दूसरा बेयर इन्फिनिटिव। ठीक है, जीरंड सिंगल है, पढ़ेंगे आगे। पार्टिसिपल तीन प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, तीन प्रकार का, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, पार्टिसिपल तीन तरीका का होने वाला है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। समझ गए होंगे आप। अब देखते हैं इनको
बिल्कुल क्रम से सीरियल से देखते हैं कि कौन सा क्या है, कौन सा क्या है, कौन सा क्या नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखिए तो देखिए हम आते हैं इन्फिनिटी वर्ब। तो देखिए इन्फिनिटी वर्ब नॉर्मली देखा जाए तो एक टू प्लस वी वन फॉर्म की वर्ब होती है। क्या? टू प्लस वी वन फॉर्म की, मतलब कि ये अपने साथ टू लेकर आएगी। क्या लेकर आएगी? टू प्लस वी वन की। इन्फिनिटी वर्ब भी दो तरीका की थी। कितने तरीका की? दो तरीका की। कौन सी थी? फुल और बेयर। तो एक में तो जस्ट ये यूज होगा कि फुल वाली में तो टू आएगा वी वन के साथ, टू आएगा वी वन के साथ। बेयर वाली में टू भी हट जाएगा, ओनली वी वन रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए टू वाली जो फुल वाली इन्फिनिटी वर्ब है उसके कितने प्रकार हो सकते हैं, कितने प्रकार से आ सकती है। तो देखिए पहला प्रकार जस्ट टू प्लस वी वन के रूप में आ सकती है। देखिए यदि कोई प्रपोजिशन के बाद वर्ब पूछा जाए, प्रपोजिशन के बाद वर्ब पूछा जाए तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। ध्यान रखना, प्रपोजिशन के बाद कभी भी वर्ब पूछा जाए तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। किसी मॉडल के बाद वर्ब पूछा जाए, किसी मॉडल के बाद वर्ब पूछा जाए तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लिख लेना इनको। ठीक है, देखिए पहला प्रकार क्या होने वाला है, फुल में टू प्लस वी वन के रूप में आ सकती है। सेकंड, टू बी प्लस वी थर्ड के रूप में आ सकती है। अब देखिए बी आया यहां पर, इसका मतलब टू प्लस जो वी वन है ना उसी का पैसिव वॉइस बना दिया गया है ये इन्फिनिटिव का। भाई बी लगाया है इसमें तो इसी का पैसिव फॉर्म है ये, जस्ट, और कुछ नहीं है। ठीक है, अगला टाइप यदि टू बी प्लस वी वर्ब में आई एन जी, तीसरा टाइप ये हो सकता है। फोर्थ टाइप टू हैव बीन प्लस वर्ब में आई एन जी, ये हो सकता है फोर्थ टाइप। फिफ्थ टाइप टू हैव प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म, फिफ्थ टाइप ये हो सकता है, और इसी का पैसिव बना दें तो टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये आ सकता है। ठीक है, ये टाइप है, इनको लिख लेना। ज़्यादातर यूज आपका यही होने वाला है, टू प्लस वी वन और इसका पैसिव फॉर्म। ये अगले वाले हमारे इतने ज़्यादा यूज में नहीं आने वाले हैं, ज़्यादा दिमाग पर जोर देना भी नहीं है। ठीक है ना, तो यही यूज होने वाला है, टू प्लस वी वन है और इसकी यदि पैसिव फॉर्म बनाई जाए तो टू बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो फुल इन्फिनिटिव हमारी कंप्लीट होती है। सॉरी, इसमें अभी थोड़ा कुछ और है, इसे और देख लेते हैं। देखिए कहाँ कहाँ पर टू टू प्लस वी वन यूज होता है। देखिए यदि एक कनेक्टिव वर्ड होता है ठू टू है ना, ये ठू टू है ना, तो जो सेकंड वाला टू है उसके बाद वी वन आने वाला है। क्या आने वाला है? V1, ध्यान रखें। पहली बात कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होने वाला है ना। सेकंड, यदि वाक्य में एनएफ दे रखा है, क्या दे रखा है? एनएफ, तो उसके बाद हमेशा टू प्लस वी वन आने वाला है। ठीक है, थर्ड चीज यदि किसी वाक्य को डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट किया जा रहा है, किससे? डब्ल्यू एच वर्ड से, और उसके बाद टू दे रखा है, क्या? टू, तो हमेशा वी वन आने वाला है आगे, हमेशा वी वन आने वाला है, तो ये इन्फिनिटिव फॉर्म होगी। यदि किसी वाक्य को वंडर से या फिर वेदर से स्टार्ट किया जा रहा है, वंडर वेदर से, सॉरी वंडर वेदर से स्टार्ट किया जा रहा है, उसके बाद टू आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ये पूरी फॉर्म क्या कहलाएगी? इन्फिनिटिव फॉर्म कहलाएगी। ठीक है, एंड अगला वाला है वांट टू नो वेदर। वांट टू नो वेदर के बाद यदि टू प्लस वी वन आ रहा है, टू वी वन आ रहा है, तो वो इन्फिनिटिव फॉर्म होगी। एंड लास्ट यदि सुपरलेटिव डिग्री के बाद, सुपरलेटिव डिग्री के बाद टू प्लस वी वन आ रहा है तो वो इन्फिनिटिव फॉर्म है। कौन सी? इन्फिनिटिव फॉर्म। और वर्ब के बाद टू प्लस वी वन आ रहा है तो वो भी इन्फिनिटिव फॉर्म है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स इनके बारे में कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं। थोड़ा बोरिंग सा लग रहा होगा अभी, बट बिलीव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो इसे इंटरेस्टिंग बनाएं, एक बार नहीं वीडियो को दो दो तीन तीन बार देखें, जिससे कि आपको वर्ब बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपका बेसिक बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, अब देखिए ही हैज नो मनी, ही हैज नो मनी, देखिए बाय, डायरेक्ट बाय कैसे लगाएं, यूज देखिए, तो यहां क्या लगाएंगे? टू बाय, उसके पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए, तो यहां टू बाय क्या हुआ? इन्फिनिटिव वर्ब। ठीक है, अब देखिए टू टू में बताया था, टू टू में यूज होने वाला है, टू आ गया। वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, इज टू वीक टू वॉक, तो यहां भी क्या है? ये इन्फिनिटिव है। ठीक है, अगला देखिए, देखिए एनएफ वाला आया था ना, सी इज बोल्ड एनएफ,
टू ट्रेवल, सिंपल एन एफ के बाद टू ट्रेवल आने वाला है। आई नो हाउ टू स्विम, यदि बीच में आऊँ आया है और जस्ट बाद में क्या दे रखा है, वर्ब दे रखा है, तो हम उसको टू प्लस वी वन के रूप में लगाएंगे इन्फिनिटिव फॉर्म में, तो टू स्विम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ही वॉज द ओनली वन, वही सुपरलेटिव वाला है, ही वॉज द ओनली वन टू सर्वाइव द एक्सीडेंट, द ओनली वन, क्या आया है, द ओनली वन, द ओनली वन के बाद हमको पूछा है वर्ब, तो द ओनली वन या फिर सुपरलेटिव डिग्री आ जाए या फिर द प्लस में कोई संख्या है ना दे रखा था पीछे नोट्स में, तो उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब पूछा जाए उसके बाद तो इन्फिनिटिव वर्ब लगाएंगे, ठीक है। यही था अगला, देखिए इट वॉज द बेस्ट, द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, तो अगला आने वाला टू परफॉर्म, इन्फिनिटिव लगाने वाले हैं भाई, यदि हमको सुपरलेटिव डिग्री के बाद में वर्ब पूछा गया है तो इन्फिनिटिव वर्ब आएगा, ठीक है। अगला देखिए, श्याम लव्स पार्टीज, द फर्स्ट, द प्लस में कोई संख्या आ जाए, तो उसके बाद यदि हमको वर्ब पूछा जाए तो इन्फिनिटिव वर्ब आएगा, कौन सा, फुल इन्फिनिटिव, टू अराइव, और ये भी क्या है, द लास्ट, तो द टू लीव, ओके। अगला देखिए, आई वंडर वेदर, वंडर वेदर के बाद इन्फिनिटिव, तो टू राइट, ठीक है। अगला, आई वॉन्ट टू नो वेदर, नो वेदर के बाद, वॉन्ट टू नो वेदर के बाद इन्फिनिटिव, तो टू प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट क्या होता है, विरोध करना, ठीक है। अब देखिए बेयर इन्फिनिटिव क्या होती है, बेयर इन्फिनिटिव तीन टाइप से हो सकती है, कितने टाइप से, तीन टाइप से। बेयर इन्फिनिटिव में पहले टू नहीं आने वाला है ना, एक चीज़ तो आपको पता चल गई होगी कि ये वर्ब के रूप में तो काम करने वाले नहीं है, किसके रूप में, नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा या फिर एडवर्ब होगा, इनके रूप में काम करने वाली है, तो बेयर इन्फिनिटिव कैसे यूज होगी, वही टाइप है कि यदि प्रेपोजिशन टू के बाद वी वन आएगी तो ये तो फुल इन्फिनिटिव है, यदि मॉडल के बाद वी वन आएगी, किसके बाद, मॉडल के बाद वी वन आएगी, तो वो है बेयर इन्फिनिटिव, क्या है, बेयर इन्फिनिटिव। अब वो कितने टाइप से आ सकती है, वो देख लीजिए, तीन टाइप से आ सकती है, मॉडल बी प्लस वी थर्ड, तो ये तो इसी का पैसिव फॉर्म हो जाएगा। अगला, मॉडल हैव प्लस वी थर्ड, ये हो सकती है, मॉडल हैव बीन प्लस वी थर्ड, ये इसका पैसिव हो जाएगा सेकंड वाले का, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दो इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए एक्चुअली जो अगला नोट दे रखा है ये हमारे मॉडल्स के ही रूप हैं, किसके, मॉडल्स के ही, हैड बेटर, हैड सूनर, हैड रादर, रादर देन, सूनर देन, वुड वुड सूनर, वुड रादर देन, यदि इनके बाद वर्ब पूछी जाए तो क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये जो सारे शब्द हैं ना, ये सारे शब्द मॉडल ही हैं, मॉडल का ही रूप हैं, किसका, मॉडल का ही रूप, तो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और मॉडल के बाद यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो वो कौन सी वर्ब होगी, इन्फिनिटिव वर्ब, और इन्फिनिटिव में कौन सी वर्ब, बेयर इन्फिनिटिव वर्ब, और यदि टू के बाद वी वन आ रही है तो वो कौन सी इन्फिनिटिव वर्ब होगी, फुल इन्फिनिटिव वर्ब, ओके। अब देखिए इसमें अगला जो नोट रहने वाला है या क्या है, यदि इन शब्दों के जस्ट बाद वर्ब नहीं पूछ रहा और आगे जाकर सब्जेक्ट के बाद वर्ब पूछे तो वी टू आएगा, हाँ, ये भी बात है, ये सेकंड नोट है, यदि इनके जस्ट बाद वर्ब नहीं पूछा, यदि इनके जस्ट बाद वर्ब पूछ ले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने वाली है, पक्का आने वाली है, यदि इनके बाद वर्ब नहीं पूछ रहा, इनके जस्ट बाद आगे ही उसी सेंटेंस में जाके सब्जेक्ट के बाद वर्ब पूछे, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद, आगे उसी सेंटेंस में जाके सब्जेक्ट के बाद वर्ब पूछे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आने वाली है, इनके जस्ट बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, पर इसी वाक्य में आगे जाके सब्जेक्ट के जस्ट बाद पूछे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आने वाली है, क्या आने वाली है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, याद रखना है, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, तो और है कुछ, थोड़ा सा इसे और कर लेते हैं अपना क्लियर, सो देखते हैं इन्फिनिटिव का थोड़े से टाइप और रह रहे हैं क्या है। हाँ, यदि लेट आ जाए, यदि वाक्य में लेट आ जाए, बिड आ जाए, मेक आ जाए और उनके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आए, क्या, ऑब्जेक्ट, तो उसके बाद हमेशा वी वन आएगी,
यदि इन तीनों शब्दों में से कोई सा भी शब्द आ जाए किसी सेंटेंस में, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए, और उसके बाद यदि वर्ब पूछी जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, तो कौन सी वर्ब होगी? वो इन्फिनिटिव वर्ब। इन्फिनिटिव में कौन सी? बेयर इन्फिनिटिव। ठीक है, अगला देखिए। यदि पहला शब्द बी होल्ड आ जाए, लिसन आ जाए, फील आ जाए, वॉच आ जाए, हियर आ जाए, स्मेल आ जाए, सी आ जाए, नोटिस आ जाए, ओवर हियर आ जाए, और इसके बाद ऑब्जेक्ट दे रखा हो, क्या दे रखा हो? ऑब्जेक्ट, तो इसके हमेशा बाद V1 आएगी या फिर V4 आएगी। इसका मतलब यहां भी बेयर इन्फिनिटिव वर्ब आने वाली है। ठीक है, ये फॉर्मेट बता रखे हैं। यदि ये वर्ड आ रखे हैं, इनके बाद ऑब्जेक्ट है, तो उसके जस्ट बाद V1 ही आएगी और उसे बेयर इन्फिनिटिव वर्ब कहेंगे। ठीक है, ऐसा टेंसेज के क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे ये सारी चीजें, देख लेना, बहुत अच्छे से पढ़ना है, वीडियो को रिवाइज करना है, 2 बार 3 बार जब तक समझ ना आए रिवाइज करना है। ठीक है, अगला देखिए। वाई के बाद यदि वी वन यूज की जाए, किसके बाद? वाई के बाद वी वन यूज की जाए तो वो भी बेयर इन्फिनिटिव वर्ब होती है। ठीक है, कभी कभी होती है वाई के बाद वी वन यूज। देखिए जैसे एग्जाम्पल, वाई नॉट गो टू अ गुड टीचर। देखिए वाई के जस्ट बाद पूछा गया है क्या, वर्ब, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने वाली है। भाई के जस्ट बाद यदि वर्ब पूछा जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने वाली है। ठीक है, देखिए लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब पूछा गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने वाली है, बेयर इन्फिनिटिव। अब देखिए फील, फील है, फील के बाद ऑब्जेक्ट आया, ऊपर देखा था हमने नोट में, फील है, फील के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद हमको पूछा जा रहा है क्या, वर्ब, तो वर्ब क्या आएगी? या तो बेयर इन्फिनिटिव आएगी या फिर ING फॉर्म आएगी, तो सेक या सेकिंग। राइट है, अगला देखिए, अगला क्या? ही हर्ड। देखिए हियर, हियर के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद यदि वर्ब पूछी जा रही है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर ING वाली फॉर्म। अब देखिए अगला, ही वॉच, वॉच देखा था वहां पर हमने, वॉच के बाद ऑब्जेक्ट आया था फिल्म, उसके बाद वर्ब पूछी जा रही है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर ING फॉर्म आएगी। ओके, पर देखा ही था। अब देखिए जीरंड, अगली बार आते हैं हम। अब देखिए हमने नॉन फाइनाइट पढ़ी, नॉन फाइनाइट में हमने पढ़ी इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव दो तरीका की होती है, कौन कौन सी? फुल इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव। तो फुल इन्फिनिटिव के हमने कुछ फॉर्मेट पढ़े थे पहले, फिर बेयर इन्फिनिटिव के फॉर्मेट पढ़े हैं, उन फॉर्मेट पे बनने वाले कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल के तौर पर देखे हैं। अब देखते हैं जीरंड। देखिए यदि किसी वर्ब में, किसमें? यदि किसी वर्ब में ING यूज कर दी जाए, क्या? ING यूज कर दी जाए और वो ING को यूज कर एक नाउन की तरह कार्य करे, किसकी तरह? नाउन की तरह, तो वो क्या कहलाएगी? जीरंड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जीरंड। ठीक है, यदि वर्ब में वर्ब प्लस ING यदि ये नाउन की तरह एक्ट करे, किसकी तरह? नाउन की तरह, तो वो क्या कहलाएगी? जीरंड कहलाएगी। ओके, और देखिए क्या क्या फॉर्मेट हो सकते हैं इसके, आगे देखिए। देखिए यदि पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा है कहीं, तो उसके बाद जीरंड लगा सकते हैं। ठीक है, दा के बाद जीरंड लगा सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, कांट स्टैंड, कांट बियर, कांट हेल्प, इनके बाद यदि वर्ब पूछी जाए तो जीरंड लगानी है। ठीक है ना, इनका फॉर्मेट देखिए, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद यदि वर्ब पूछी जाए तो जीरंड फॉर्म लगानी है, इट मीन्स वर्ब में ING। ठीक है, दा के बाद यदि वर्ब पूछी जाए तो जीरंड फॉर्म लगानी है, इट मीन्स वर्ब में ING। कांट स्टैंड, कांट बियर, कांट हेल्प, इनके बाद यदि वर्ब पूछी जाए तो जीरंड फॉर्म लगानी है, क्या? वर्ब में ING। यदि कुडंट स्टैंड, कुडंट बियर, कुडंट हेल्प के बाद वर्ब पूछी जाए तो क्या लगानी है? जीरंड, वर्ब में ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। प्रेपोजिशन के बाद यदि वर्ब पूछी जाए तो क्या लगानी है? जीरंड। हाँ, एक प्रेपोजिशन है, कौन सा? टू। टू के बाद यदि वर्ब पूछी जाए तो वी की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या? और ये कौन सी होगी? इन्फिनिटिव, फुल इन्फिनिटिव। बाकी यदि कोई प्रपोजिशन आता है तो उसमें क्या करेंगे? जीरंड लगाएंगे। प्रपोजिशन के जस्ट बाद यदि वर्ब पूछी जाए तो जीरंड, वर्ब में ING। ठीक है, अब देखिए यदि ये वर्ड आ रहे हैं, कौन कौन से? नो यूज, एनी यूज, सम यूज, मच यूज, नो गुड। ठीक है, यदि ये सारे वर्ड आ रहे हैं, इनके बाद यदि हमसे वर्ब पूछी जा रही है तो वर्ब का जीरंड फॉर्म लगाएंगे। कौन सा फॉर्म? जीरंड फॉर्म। और जीरंड फॉर्म क्या होता है? वर्ब में यदि हम ING यूज कर दें और वो नाउन की तरह कार्य करने लग जाए तो वही तो होता है जीरंड फॉर्म। ठीक है, यदि इन सब शब्द के बाद हमको वर्ब पूछी जाए तो जीरंड फॉर्म लगानी है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए ये वर्ड है एडिक्टेड टू, लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू,
बी फ्रॉम, बी फॉर्म यूज टू और हैबिचुएटेड टू। यदि इनके बाद हमको वर्ब पूछी जाए, क्या चीज़, वर्ब, तो हमको वर्ब की जीरण फॉर्म लगानी है। ठीक है, अगला देखिए, यदि अवॉइड, इंजॉय, प्रेफर, स्टे, स्टॉप, हेट, वर्थ और गो, यदि इन वर्ब के बाद में दूसरी वर्ब हमको पूछी जाए, इन वर्ब के बाद में दूसरी कोई वर्ब हमको पूछी जाए, तो वो एग्जैक्टली जीरंड ही आने वाली है। ये आपको फॉर्मेट बताया जा रहा है कि यदि ये शब्द किसी सेंटेंस में दे रखे हैं, उनके बाद में वर्ब पूछी जाए, तो वो जीरंड फॉर्म में आने वाली है। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज करना, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज की क्लास। शायद यूट्यूब पर इतना किसी ने दिया होगा जितना मैं आज अपने फुल कॉन्सेप्ट, जितना मैंने आज तक पढ़ा है, जो भी मेरे सम्माननीय गुरु रहे हैं जिन्होंने मुझे जितना दिया है, मैं आपको टोटल दे रहा हूँ, 0% भी नहीं रख रहा अपने पास, 100% दे रहा हूँ जितना मुझे आता है। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा पता है जिसमें ज़्यादा ज्ञान होता है ना, जो ज़्यादा नॉलेजेबल होता है, वो वीडियो आपको लगेगी क्या बोरिंग, लगेगी बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेगी, बट यदि आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे ना, 2-3 बार देखोगे, इतनी इंटरेस्टिंग लगेगी ना, बहुत ज़्यादा। इससे आपको जो हेल्प मिलने वाली है ना आगे, आप ये कहोगे कि हाँ रियली बहुत अच्छा पढ़ाया सर ने। ठीक है, आगे देखिए, हाँ गो के लिए एक यदि गो की बात की जाए, किसकी, गो वर्ब की, यदि सेंटेंस में गो वर्ब के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी की बात की जा रही है, यदि सेंटेंस में फिजिकल एक्टिविटी है ना, फिजिकल एक्टिविटी, रनिंग वगैरह ऐसी कुछ बात की जा रही है सेंटेंस में, और गो के बाद वर्ब पूछी गई है, तो ही जीरंड आएगी। वरना यदि फिजिकल एक्टिविटी की बात नहीं की गई है और गो के बाद वर्ब पूछी गई है, तो वो जरूरी नहीं है जीरंड आएगी, वो इन्फिनिटिव भी आ सकती है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ठीक है, यदि फिजिकल एक्टिविटी की बात की गई है सेंटेंस में, तो गो के बाद वर्ब पूछी जाए तो जीरंड ही आएगी। ठीक है, जीरंड अपना होता है क्लियर, आगे सेंटेंस कुछ एग्जांपल आएंगे तो उनको कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं पार्टिसिपल पर। देखिए पार्टिसिपल एक्चुअली होती क्या है, तो पार्टिसिपल की मैं आपको बता दूं, यदि किसी वर्ब में या तो आईएनजी का यूज कर दिया जाए या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, और ये दोनों अलग अलग, ये दोनों स्पेशली एक एडजेक्टिव का काम करने लग जाए, किसका, एडजेक्टिव का, यदि वर्ब में आईएनजी लगा दी जाए वो एडजेक्टिव का काम करने लग जाए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लग जाए, है ना, तीसरी फॉर्म और होती हैविंग प्लस में वी थर्ड, हैविंग प्लस में वी थर्ड आ जाए और वो भी एडजेक्टिव का काम करने लग जाए, तो वो क्या कहलाएगी, वर्ब, वो वर्ब कहलाएगी पार्टिसिपल वर्ब। क्या कहलाएगी, पार्टिसिपल वर्ब। अब देखिए इनमें क्लियर है ही कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होती है, यदि वर्ब में आईएनजी लगा दी जाए और वो एडजेक्टिव की तरह काम करे, किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह सेंटेंस में, तो वो होगी प्रेजेंट पार्टिसिपल। यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह काम करे, तो वो होगी पास्ट पार्टिसिपल। और यदि हैविंग प्लस में वी थर्ड, हैविंग प्लस में वी थर्ड या फिर इसी का पैसिव फॉर्म हैविंग बीन प्लस वी थर्ड इस तरीके से आ जाए और ये टोटल की टोटल एडजेक्टिव की तरह काम करे, तो इसे परफेक्ट पार्टिसिपल कहेंगे। क्या कहेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखिए एग्जांपल दे रखा हैविंग खालिस्तान ही गेव रिजल्ट, है ना, तो गाइड, गाइड वर्ब यूज करनी है हमको, तो गाइड के साथ क्या यूज करें, तो हैविंग, क्या चीज है, हैविंग, तो हैविंग के साथ क्या यूज करेंगे, एब्सोल्युटली वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो हैविंग गाइडेड। ऐसे ही अगले में हैविंग सीन अ स्नेक, ठीक है, तो हैविंग के साथ क्या यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि परफेक्ट पार्टिसिपल का, परफेक्ट पार्टिसिपल के तौर पे हमने बताया गया है ना, तो ये हैविंग गाइडेड क्या होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग सीन क्या होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, आगे देखते हैं, कंप्लीट हुआ अपना पार्टिसिपल भी, अब थोड़ा सा और है इसको और देख लेते हैं। इसको मैंने बता ही दिया था, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब 3 तरीका की होती है, बी वर्ब, इज, एम, आर, वाज वर्ब, हैव वर्ब होती हैज, हैव हैड, बता दिया था, डू वर्ब होती है डू डज डिड, ठीक है बता दिया था। और देखिए ये बी वर्ब के बारे में देख ली थोड़ा सा और हैव वर्ब के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, है ना। हाँ देखिए फॉर्म देखी जाती है ना, फॉर्म,
बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब की एक्चुअली पांच फॉर्म होती है। कितनी? पांच फॉर्म। वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं? पांच फॉर्म। तो देखिए बी की फॉर्म बताई गई है ओनली। किसकी? बी की। तो बी की फर्स्ट फॉर्म में कौन कौन सी फॉर्म आने वाली है? इज, एम, आर। सेकेंड फॉर्म में वाज, वर। थर्ड फॉर्म में बीन। फोर्थ फॉर्म में बींग, आई एन जी वाली फॉर्म हो जाती है। और फिफ्थ फॉर्म इन्फिनिटी फॉर्म, 2+V1। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तो हमने पढ़ी ही है आज तक। तो फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? आईएनजी वाली फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है? इन्फिनिटिव वाली फॉर्म। ठीक है, अब हैव के लिए और हैं पांचों फॉर्म, इन्हें और देख लीजिए। हाँ, तो फर्स्ट फॉर्म में हैव ही आएगा, सेकंड फॉर्म में हैड आएगा, थर्ड फॉर्म में हैड आएगा, फोर्थ फॉर्म में हैविंग आएगा। हैविंग के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है ना, परफेक्ट पार्टिसिपल बना दिया जाता है ना। और फिफ्थ फॉर्म है टू हैव, तो ये कौन सी फॉर्म है? इन्फिनिटिव। और ये कौन सी है? इसको मान लिया जाए यदि नाउन की तरह कार्य करेगी तो जीरंड, और यदि वर्ब ले ले अपने साथ और एडजेक्टिव की तरह काम करे तो पार्टिसिपल। ठीक है, तो गाइस आज हमने वर्ब देखी और शायद आपको वर्ब के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई होगी आज। शायद आपने आज तक इतना नहीं पढ़ा होगा वर्ब के बारे में जितना कि मैंने पढ़ा दिया। बट एक बात ध्यान रखें, आपको एहसास होगा इस चीज़ का कि ये कुछ भी वेस्ट नहीं है, सारा की सारा बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। ठीक है, आपको आगे आगे एहसास होने वाला है कि जो जो हमने आज पढ़ा है वो आगे बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, और ये एक तरीके से इंग्लिश की बेसिक्स ही है अभी तो। अभी तो ये ओनली बेसिक्स ही है, इसमें से इनडायरेक्टली आपके बहुत क्वेश्चन फंसने वाले हैं, बहुत, एक नहीं बहुत। कुछ बचा था थोड़ा बहुत, जैसे कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया था बीच में, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। और सेकेंड बात, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स होती हैं कुछ, जैसे कि हम अगला टॉपिक अपना टेंस लेने वाले हैं ना, तो टेंस में आएंगे कुछ, जैसे कि वर्ब हैं, वर्ब की कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं जिनकी तीनों फॉर्म्स एक साथ चलती हैं, एक तरीके से चलती हैं। कुछ फॉर्म ऐसी होती हैं जिनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, कि जैसे कि हंग वाली फॉर्म होती है ना, हंग वाली, एक तो लटकाना हो जाता है और एक फांसी लटकना है ना, तो उनके बारे में, ऐसी जो कन्फ्यूजिंग वर्ब हैं उनके बारे में कल चर्चा करेंगे हम थोड़ा बहुत। और थोड़ा सा और देखेंगे वर्ब जो थोड़ा बहुत रह गया है, बाकी का वर्ब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम कल ही अपना टॉपिक स्टार्ट कर देंगे टेंस। ठीक है, सो गाइस यदि वीडियो हमारी पसंद आई हो, कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें, अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। यदि आप कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउटफुल हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये चीज़ हमको समझ नहीं आई, इस चीज़ को दोबारा समझाइए। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखिए, बनाते रहिए। तो मिलते हैं कल एक दूसरे वीडियो में। सो बाय।